दोस्तों कुछ अफवाहें ऐसी होती है कि जो सच हो जाए तो यार मजा आ जाता है, और ऐसी ही एक अफवाह है जो सच भी हो गई है और उसका अनाउंसमेंट भी हो गया है, और उसी के साथ साथ ये जो एक्टर है उन्होंने हमारा न्यू ईयर एक अलग ही नोट पर शुरू करवा दिया है। आइए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते दोस्तों, मैं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि एनिमल ये जो फिल्म है उसका अनाउंसमेंट हो गया है, और इस फिल्म का सिर्फ और सिर्फ वॉइस ओवर सुनाई दे रहा है, और सभी को हैप्पी न्यू ईयर। इस हैप्पी न्यू ईयर यानी 2021 की शुरुआत जो है वो कर दी है हमारे रणबीर कपूर ने। रणबीर कपूर है इस फिल्म के अंदर, और उनके साथ साथ हमें देखने मिलेंगे अनिल कपूर और परिणीति चोपड़ा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म जो है इसके बारे में बहुत चर्चे हो रहे थे, अफवाह ये चल रही थी कि रणबीर कपूर जो है उन्होंने एक फिल्म साइन की है कबीर सिंह डायरेक्टर संदीप वेंगा के साथ। जी दोस्तों, अब ये देखना था कि आखिरकार ये अफवाह जो है उसमें कितनी सच्चाई है, और इस अफवाह ने सच्चाई में तो रूपांतर कर ही लिया है, पर उसी के साथ साथ ये भी देखने मिला कि किस प्रकार से ये जो फिल्म है ऐसे लग रहा है, फिल्म का नाम तो एनिमल दे दिया है पर फिल्म का जो वॉइस ओवर है जहाँ पर रणबीर कपूर ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं अपने पापा से कि अगले जन्म में आप मेरे बेटे बनकर आना, उसके अगले जन्म में मैं फिर आपका बेटा बनकर आऊँगा, और हम एक दूसरे से इतना प्यार करेंगे कि एक दूसरे के तरफ जो भी हमें कहना है, जो भी एक्सप्रेस करना है वो बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्रेस हो जाए। हालांकि अब ये बात किसके लिए कही जा रही है, शायद अनिल कपूर ही रणबीर कपूर के पापा का रोल प्ले कर रहे हैं या क्या है आखिरकार, ये कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। पर दोस्तों इतना ज़रूर है कि ये फिल्म बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इसके जो डायरेक्टर हैं उन्होंने हमेशा से हिट फिल्में ही दी है। तो आप कितने एक्साइटेड हैं इस कोलैबोरेशन को देखने के लिए, बताइए हमें इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। मैं शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा।